नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निशा। सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा इस चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है। पहली बार नगर पंचायत से बनी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भीमताल की जनता उत्साहित है। इस दौरान नगर पालिका भीमताल के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने कहा कि भीमताल नगर पालिका जो पहले नगर पंचायत थी वो अब नगर पालिका परिषद हो गई, जिसका क्षेत्रफल 19 वर्ग किलोमीटर का है। वहीं 10,000 के लगभग यहाँ पर मतदाता है। वहीं मतदान केंद्र 9 है, जबकि मतदान स्थल 10 है, वहीं 9 वार्ड है। नगरपालिका द्वारा यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान कांग्रेसी नेता रॉकी ब्रजवासी ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव करने में देरी कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी वो उत्तराखंड में कई उपचुनाव में हार चुकी है। इस कारण राज्य सरकार चुनाव कराने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही राज्य सरकार तिथि घोषित करने की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं भाजपा नेता हितेन सिंह बिष्ट का कहना है कि क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार जनहित में कार्य कर रही है और आने वाले समय में यहाँ का अध्यक्ष भाजपा से जुड़ा हुआ होगा। माहौल भाजपा का यहाँ बना हुआ है। यहाँ बता दें कि नगर पालिका पूरी तरीके से चुनाव के लिए अपने कर्मचारियों के साथ तैयार है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही दलों से कई प्रत्याशी दावेदारी की ताल ठोक चुके हैं, लेकिन पार्टी किस पर भरोसा करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी सभी जगह विभिन्न क्षेत्रों में देख लो, सरकार इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाह रही, सरकार विफल है ना, सारे काम में कुछ कर ही नहीं रही है। अभी केदारनाथ इलेक्शन के चक्कर में अभी देखिए, वहाँ भी इनको बुरी तरह मुगी खानी पड़ेगी, जैसे हमारे बद्रीनाथ और इधर इनको लगा। और अभी निकाय चुनाव सर पे है, कम से कम एक साल से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक ये टालम टोल करने में है। कभी आरक्षण का मुद्दा उठा रही, कभी कुछ। अभी आप ये तो हाईकोर्ट का थोड़ा सा हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थोड़ा वो प्रमुखता से इस मामले को उठा रहा है कि निकाय चुनाव कराओ। कोऑपरेटिव के इलेक्शन होने थे, कोऑपरेटिव के इलेक्शन इनने करे नहीं, सहकारिता के इलेक्शन वो भी मैं आज पेपर में देख रहा था, आज भी उसने इनने डेट बदल दी है कि अब 22 पहले 22 नवंबर को होने थे, अब दिसंबर में डाल रहे हैं अब। और सरकार पूर्णतः विफल है अपने सारे कामों में, आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ देख लो, रोजगार का क्षेत्र है या अपना अन्य और भी मुद्दे हैं, सभी कुछ में आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं सब। मैं तो चाह रहा हूँ धामी सरकार पूर्णतः फेल हो गई है। अभी छात्र संघ के इलेक्शन होते, छात्र संघ के इलेक्शन इनने कराए नहीं, वो भी इनने टाल दिए। ठीक है, पालिका भीमताल की तैयारी पूरी है, कर्मचारी तैयार हैं और नगर पालिका क्षेत्र लगभग 19 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 9 मतदान केंद्र है, 9 वार्ड है, 9 मतदान केंद्र है और मतदान स्थल 10 हैं। लगभग वोटरों की जनसंख्या लगभग 10,000 के लगभग है। मैंने जिस प्रकार से राज्य सरकार ने और माननीय विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में और राज्य में विकास कार्य किए हैं, उसको देखकर तो सरकार हर समय चुनाव को लेकर तैयारी है, और यदि हाईकोर्ट की संस्तुति मिल जाती है तो सरकार हर समय चुनाव कराने को लेकर तैयार है। और जिस तरह विधायक जी क्षेत्र में जाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, तो सरकार के पक्ष में ही माहौल बना हुआ है, भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। ये थी नैनीताल से हमारे संवाददाता ललित जोशी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।